क्वेश्चन नंबर 9, दिए हुए वृत्त ओ का केंद्र प्रतीत करो। क्या बोला है? दिए हुए वृत्त ओ का केंद्र प्रतीत करो। यानी तो आइए सबसे पहले हम जो है वृत्त ले लेते हैं, जो दी हुई चीज़ें हैं हमारे पास। वृत्त दिया हुआ है हमारे पास, एक बार में ही लगे, ज्वाइंट वाला नहीं लगे वृत्त, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, उसका केंद्र प्रतीत करना है हमने, हमारे पास केंद्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट ले लेंगे इसमें ए बी और सी, तीन पॉइंट ट्राइंगल शेप में, ए बी एंड सी ले लिए और इनको मिलाएंगे भी हम डॉटेड, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ डॉटेड मिलाएंगे, ठीक है। ए बी बी सी, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। अब क्या करना है, हमने अपनी मर्जी से कंपास खोलनी है और इसके दो समान भाग करने हैं, बी सी के भी और ए बी के भी। दो समान भाग करते हैं जल्दी जल्दी। अब इसको हम फटाफट मिला देते हैं। ये डॉटेड हो गया और इसको भी हम डॉटेड मिला देते हैं। ये हमारे पास डॉटी यहाँ से गए, ये हमारा पॉइंट आ गया, इसका नाम ये केंद्र आ गया है हमारे पास, ये इसका नाम ओ आ गया, ओ केंद्र प्रतीत करने को था, ये आंसर तैयार हो गया। दूसरा दिया हुआ, दिए हुए तीन बिंदु ए बी सी से गुजरता हुआ एक वृत्त लगाओ। नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए तीन बिंदु ए बी और सी, ट्राइंगल शेप में लेने हैं हमने, ए बी और सी इनको मिलाना भी हमने डॉटेड है, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स, ए से बी बी से सी, तीन ये ध्यान रखना है, ये ए बी सी तीनों मिला दिए मैंने। अब वैसा ही करना हमने जैसे हमने फर्स्ट में किया था, फर्स्ट वाले प्रश्न में, तो हमने इन दोनों के दो समान भाग करने हैं, दो समान भाग हो गए क्योंकि हमें दोनों तरफ चाहिए ना। तो यहाँ सी अब इसको हम डॉटेड मिलाते हैं। इस तरफ से भी डॉटेड ही मिलाएंगे। जहाँ पे ये मिलते हैं इस पॉइंट का नाम ओ रखते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ है और ओ पर हम कंपास रखेंगे और बी तक खोला, चेक करेंगे तीनों को छू रहा है, छू रहा है, तो हम एक डार्क सर्कल लगाएंगे क्योंकि वो हमारा आंसर रहेगा। एक बार में ही दबा के ये ध्यान रहे, जॉइंट ना पड़े इसमें, ना हल्का और डार्क रहे, एक बराबर सर्कल लगना चाहिए, ठीक है। ये हमारा, ये हमारे पास एक चाप दी हुई है, ये भी नाम है उसका, वहाँ से बोला है हमें वृत्त को पूरा करने के लिए। ये तीन प्रश्न हैं हमारे पास, ये ही कन्फ्यूज कर देते हैं बच्चे को। उसमें हमें चाप दी हुई है, तो सबसे पहले हम चाप ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चाप है, इसका नाम हमारे पास ए है
और बी है और यहाँ पे बिंदु सी है। ये ध्यान रखना इन पॉइंटों के नाम है ए बी और सी। उसमें भी वैसा ही है, हमने पहले सबसे पहले इनको डॉट इन मिलाना है अब से, ठीक है। इसको भी मिलाना है हमने डॉट इन। ये चाप थी, चाप मिला दी हमने, चाप लगा दी हमने। अब हमने इन दोनों के दो समान वार करने हैं। अपनी मर्जी से कंपास खोलो, छोटी बड़ी आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है आप कितना खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, ठीक है। और सी से भी एक कट लगाएंगे आप, ठीक है। दूसरी तरफ को भी बढ़ाएंगे इसके, क्योंकि हमें दूसरी तरफ को भी चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको भी बढ़ाते जाएंगे आगे छोटे छोटे डॉट्स में। हमारे पास केंद्र बिंदु, इसका नाम ओ रखते थे, ओ। तो हम ओ से चेक करेंगे, तो अब हम इसको पूरा करेंगे। चाप थी पहले, इसको हम पूरा करेंगे वृत्त में कन्वर्ट। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है।